नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया 2024, इंग्लैंड की टीम भारत का दौरा करने वाली है, जहां इस दौरे पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी 2024 से 11 मार्च 2024 तक काफी बड़ी और एक बेहतरीन सीरीज खेली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज का क्या शेड्यूल रहेगा, इस सीरीज में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे, मैचों की टाइमिंग क्या होगी, मैचेस कौन से वेन्यूज पर खेले जाएंगे। इसके अलावा इस सीरीज के लिए इंडिया और इंग्लैंड दोनों टीमों का क्या स्क्वाड रहेगा, जहां बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया और इंग्लैंड दोनों टीमों का 100% कंफर्म और फाइनल टीम स्क्वाड ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा आप इस सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो इस एक वीडियो में आपको इस सीरीज से जुड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इंग्लैंड के भारत दौरे पर सिर्फ 5 मैचों की एक टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जबकि इस दौरे पर कोई भी वनडे या टी20 मैचों की सीरीज नहीं होगी। तो अगर हम सबसे पहले इस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल की बात कर लें, तो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 25 जनवरी 2024 से 29 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, जबकि दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा 2 फरवरी से और खेला जाएगा 6 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई एस राजशेखरा रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में। इसके अलावा तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 19 फरवरी तक खेला जाएगा राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, जबकि चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से शुरू होगा और 27 फरवरी 2024 तक खेला जाएगा रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में, जबकि इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच 7 मार्च 2024 से शुरू होगा, जो कि 11 मार्च 2024 तक खेला जाएगा धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। बात कर लें टाइमिंग्स की, तो ये सभी 5 टेस्ट मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 9:30 बजे से, यानी कि 9:30 AM से स्टार्ट होंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम के स्क्वाड की बात कर लें, तो बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम इंडिया का 16 मेंबर्स स्क्वाड अनाउंस किया है, जहां इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी एक बार फिर से रोहित शर्मा करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं वाइस कैप्टन यानी कि उप कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। इसके अलावा पहली बार टेस्ट स्क्वाड में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को शामिल किया गया है, तो वहीं एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी और युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा फिलहाल इंजर्ड हैं, जिसके कारण इन दोनों तेज गेंदबाज को टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है और इनकी जगह पर युवा तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आवेश खान को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत की भी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। इसके अलावा ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को टेस्ट टीम से ड्रॉप यानी कि बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में 4 स्पिनर्स को शामिल किया गया है, जहां रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा तो पहले से ही टेस्ट स्क्वाड में मौजूद थे, लेकिन इस टेस्ट सीरीज के लिए अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की भी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। तो अब इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के स्क्वाड में 4 बेहतरीन क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद होंगे। तो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले शुरुआती 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम इंडिया का 16 मेंबर्स स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के तौर पर आपको नजर आएंगे रोहित शर्मा, इसके अलावा होंगे शुभमन गिल,
यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत, एक और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह और आवेश खान। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड के बारे में। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 16 मेंबर्स स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसमें 3 अनकैप्ड प्लेयर्स को भी शामिल किया गया है, जिनके नाम है युवा तेज गेंदबाज गस एटकिंसन, इसके अलावा राइट आर्म ऑफ स्पिनर शोएब बशीर और लेफ्ट आर्म स्पिनर टॉम हार्टले। तो वहीं इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कप्तानी एक बार फिर से बेन स्टोक्स करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं वाइस कैप्टन यानी कि उप कप्तान ओली पोप को बनाया गया है। तो इंग्लैंड का 16 मेंबर्स टेस्ट स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के तौर पर आपको नजर आएंगे बेन स्टोक्स, इसके अलावा होंगे रेहान अहमद, जेम्स एंडरसन, गस एटकिंसन, विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो, शोएब बशीर, हैरी ब्रुक, जैक क्राउली, बेन डकेट, विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फोक्स, टॉम हार्टली, जैक लीच, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जो रूट और मार्क वुड। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस टेस्ट सीरीज की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट की बात कर लें, तो इंडिया में इस टेस्ट सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स व्याकॉम 18 नेटवर्क के पास है, जहां पर आप टीवी में इस टेस्ट सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा कमेंट्री में स्पोर्ट्स 18-1 चैनल और स्पोर्ट्स 18-1 HD चैनल की मदद से एंजॉय कर पाओगे। तो वहीं हिंदी कमेंट्री में आप इस टेस्ट सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट कलर्स सिनेप्लेक्स चैनल और कलर्स सिनेप्लेक्स HD चैनल की मदद से भी देख सकते हो। तो वहीं सभी DD फ्री डिश यूजर्स के लिए भी गुड न्यूज निकल कर आई है, जहां पर सभी DD फ्री डिश के यूजर्स DD स्पोर्ट्स चैनल की मदद से इस टेस्ट सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल मुफ्त में एंजॉय कर पाएंगे। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो इंडिया में आप जियो सिनेमा एप्लीकेशन की मदद से बिल्कुल मुफ्त में यानी कि बिना किसी सब्सक्रिप्शन के इस टेस्ट सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल फोन में एंजॉय कर पाओगे, जहां जियो सिनेमा एप्लीकेशन पर इस टेस्ट सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग टोटल 11 भाषाओं में की जाएगी, जिसमें शामिल है इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती और मराठी। तो आप इन 11 भाषाओं में इस टेस्ट सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये रही इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको दोनों टीमों में से किस टीम का स्क्वाड ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये टेस्ट सीरीज जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।